वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज जो है ना कल के व्लॉग का कंटिन्यूशन है। हम पहुंच चुके हैं गेंटिंग आइलैंड। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर गंडोला राइड्स है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग बैठ के गंडोला राइड में। इसको स्काई कैब भी बोलते हैं यहाँ पर। और वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना, और वहाँ पर एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन, उसको भी क्लिक ज़रूर करना, जैसे आपको मालूम पड़े कि हमारे नए वीडियो कब आ रहे हैं। तो पूरी फैमिली, मम्मी, मैं, मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा जो है, बड़ा भाई का बेटा पार्थ, वो निष्ठा दे, हम सब आए हैं इस ट्रिप में। मेरी भाभी और छोटी बेबी जो है वो घर पर, क्योंकि वो छोटी बेबी है, उसको लेके घूमना मुश्किल है, तो भाई और भाभी मेरे बाद में आ जाएंगे, जब वो लोग यहाँ पर रहते हैं, लोकल्स हैं मलेशिया के, तो बाद में आ सकते हैं। और यहाँ से जो ये जो गेंटिंग हाईलैंड है, गेंटिंग स्काई वर्ल्ड, यहाँ पर आप गंडोला राइड से ही जा सकते हैं ऊपर। और इसका यहाँ का वेदर इज़ बहुत ही ऑसम। अच्छा, दो तरह के गंडोला राइड्स होते हैं, एक है नॉर्मल और एक है ये पूरा ग्लास वाला। तो ग्लास वाला जो गंडोला राइड बुक किया है ना हमने, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको नॉर्मल चाहिए। अगर आप ग्लास वाला बुक करोगे तो नीचे जो है ग्लास फ्लोर होगा, तो अच्छा आपको अच्छा मज़ा आएगा। और आपको जो भी टिकट्स के प्राइजेस हैं गंडोला राइड्स के, गेंटिंग स्काई वर्ल्ड के, एक वेबसाइट है cluk.com, जहाँ पर आप बुक भी कर सकते हैं और जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है थोड़ा बहुत, और जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही क्या प्राइस है। तो अभी हम लोग ना उतर चुके हैं एक जगह बीच में, जहाँ पर है चाइनीज़ टेम्पल। तो हम लोग स्काई जो गेंटिंग हाईलैंड स्काई वर्ल्ड है, वहाँ जाने से पहले हम यहाँ पर रुके हैं बीच में, जो कि है चाइनीज़ टेम्पल और मस्ट विजिट प्लेस है। अच्छा, एक और बात, यहाँ का वेदर जो है ना, गेंटिंग हाईलैंड का वेदर इज़ सुपर ऑसम। ऐसा लगता है कि हम किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया वेदर है। भैया मलेशिया में, कश्मीर में, अंबु मलेशिया का कश्मीर मलेशिया का कश्मीर महाबलेश्वर सन्न तेरे लिए ये भैया शेख का डू बादल बढ़ता। हाँ हाँ, तो अब यहाँ से हम ना, वेदर तो बहुत बढ़िया है, अब हम लोग नीचे, हमको जाना है। तो हम लोग गंडोला से ऊपर आए थे, अब चाइनीज़ टेम्पल जो है वो नीचे है, तो काफ़ी बड़ी ऐसे, मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर है, आई थिंक 11-12 एक्सीलेटर है नीचे जाने के लिए। तो हम लोग एक्सीलेटर के थ्रू नीचे जाना है और फिर वो देख के हम ऊपर भी आएंगे। तो मैंने इसके लिए एक वो बनाया है, अजीत ने रिकॉर्ड किया है टाइम लैप्स, जैसे आपको मालूम पड़े कि कितनी नीचे है, कितनी सारी एक्सीलेटर है। और हम देखो, ये थर्ड एक्सीलेटर हो गई, और लेट अस काउंट 4, और मैंने ऊपर आते वक्त नहीं बनाया है 5th। तो लिफ्ट नहीं है यहाँ पर, तो एक्सीलेटर के थ्रू ही जाना ही पड़ेगा नीचे। 6th, मौसम बहुत बढ़िया है। 7th एक्सीलेटर है ये, तो मतलब आप सोचो हम इतने ऊपर आए थे गंडोला से, ये है 8th। अब हमको 8-9 एक्सीलेटर के बाद ये देखो हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ टेम्पल के यहाँ पर। और यहाँ भी काफ़ी, मतलब सेम मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सा बना हुआ है चाइनीज़ टेम्पल यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे ना इनके कल्चर के मंदिर हैं, उनके स्टैचूज हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है मलय के लैंग्वेज में। और इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पर लोग आते हैं थोड़ा सा ना पीस के लिए। आप वहाँ बैठ के 2 घंटों बैठ सकते हैं आराम से, पीस से, और देखिए कितना अच्छा है। मतलब मेरे को तो यार यकीन ही नहीं हो रहा है कि मलेशिया में के पास में ऐसा वेदर भी मिल सकता है। तो मलेशिया इज़ वेरी हॉट, बट यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आसपास की जो चीज़ें हैं वो पूरा चेकआउट करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर गेंटिंग थीम स्काई वर्ल्ड थीम पार्क में। बट यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप यहाँ पर रुक के जाइए। हाँ, एक और बात, अगर आप गेंटिंग स्काई वर्ल्ड जा रहे हैं और अगर आप ये स्किप कर देते हैं, अगर नहीं जाते और सोचते कि हम लोग आते हुए जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आते हुए गंडोला जो है वहाँ पर रुकती ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करते। तो अगर आपको जाना है चाइनीज़ टेम्पल, तो आप नीचे से होते हुए उधर रुकिए बीच में, यहाँ पर जाइए, आधा घंटा स्पेंड करिए, उसके बाद आप जाइए गेंटिंग स्काई वर्ल्ड में। गंडोला स्टॉप नहीं होती है। अब चल के देखते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है, क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर आपको ना बहुत बड़ा एक बुद्ध का स्टैचू भी मिलेगा, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक किए, थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाए, और मैं पूरा दिखा रही हूँ एक आपको, पूरे इसका व्यू देखिए पूरा। ये इनके कोई लीडर है शायद, ऐसे उनका है स्टैचू, और वहाँ पीछे बुद्धा का स्टैचू है, और देखिए कितना बढ़िया व्यू है। मेरी मम्मी को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और अजीत दीदी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हमने एक
कपल को बोला हमारी फैमिली फ़ोटो लेने के लिए, तो उन्होंने बहुत बढ़िया फ़ोटो भी खींची है। यहाँ सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मज़े आ रहे हैं। सिंपल सा है, एकदम शांति है। यहाँ पर ब्राज में जो है ना, वो अलग अलग स्टैचूज़ हैं भगवान के, तो उनके जो गॉड है उनके अलग अलग फॉर्म हैं, उस फॉर्म के वो स्टैचूज़ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले देखिए, और उसमें लिखा भी हुआ है कि कौन सा स्टैचू फॉर्म जो है गॉड का वो किसके लिए है। और उसके ऊपर भी ना एक ऐसे सीढ़ी है जाने के लिए, ऊपर ऊपर ही बहुत सारा ऐसे अलग अलग डिपिक्ट किए हुए हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशन के चीज़ें। तो जो भी ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं मलेशिया की, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। और इसके आगे है एक स्टैचू गौतम बुद्धा का, बहुत बड़ा सा स्टैचू है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा सा है। तो यहाँ पर हमने हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्ते करके प्रणाम करके अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, एक दो फोटो खींचेंगे और फिर हम जाएंगे गेंटिंग स्काई वर्ल्ड में। तो फिर फैमिली घूमने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको दिखाती हूँ मैं प्रॉपर व्यू स्टैचू का। अच्छा, वैसे ऐसा स्टैचू बड़े बड़े हम अभी जस्ट गए थे, आने के पहले गए थे बिहार में, तो वहाँ पर तो इससे बड़े बड़े थे स्टैचू, तो बट यहाँ पर भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक और जगह है यहाँ पर जहाँ जाने वाले हम लोग, मतलब मलेशिया में बाटू केस, उसका भी आपको मैं शेयर करूँगी डिटेल्स। फिलहाल तो आप इसके मज़े लीजिए और इसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल से होके हम जाएंगे घूमने अपना गेंटिंग साइबर। अच्छा, ये ना एक फ़ोटो टाइप्स का बनाया हुआ है, यहाँ पर आप बैठ के साथ में ऐसे पोज के अपने फ़ोटो वीडियो क्लिक कर सकते हैं। तो जो हमने किया है, मम्मी मैं निष्ठा सब बैठ गए हैं और इसी बातें कर रहे हैं। और आई रियली डोंट नो कि ये किसी स्टैचूज हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि कोई इनके कल्चर के ट्रेडिशन के या कोई फॉर्म कुछ किसी चीज़ के होंगे। तो बहुत अच्छे से बनाया है, जगह है बैठने की। बस अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का पार्ट जो है, वॉइस ओवर बंद करती हूँ और दिखाती हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। The games of gods. Where Nani is sitting, she's acting like a god. Parth bhaiya listening to sad songs. Why? मेरे को तो ले ले बेटा. मम्मा को भूल गया बच्चा दे. Ooh. मम्मा को लेना दे. Nani को भी भूल गया. पापा को तो लिया ही नहीं. पापा पीछे आपके. Look at this. Turn your back. Turn back. Turn back. Zoom out. Zoom in. Naruto. Zoom out. नहीं है ना यार. चलो चलो चलो. कौन है पता क्या है वो? कौन है पता? BTS. BTS से पीछे है? पीछे क्या है इनसे? बी बी है वो. चल चल. I started. ये चीज़ ये. Yeah. 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 One more. Yeah. One more. Yeah. Yeah. तो बाहर जो टेंपल था एक, उधर भी है जहाँ पर हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर आपको ना खाने पीने के लिए स्नैक शॉप, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, गिफ्ट शॉप मिल जाएंगे, सोवनिर आप ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ से हमारा टूर ख़त्म हो गया है, अब हम जाएंगे गेंटिंग आइलैंड स्काई वर्ल्ड थीम पार्क में, जो मैं शेयर करूँगी आपको पार्ट 3 में। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, जो आगे जो है बहुत सारे इन्जॉय वाले राइड्स होने वाले हैं, थीम पार्क हैं। तो थैंक यू।